देखो भाई, टेंथ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। बोला प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा P, इसे दो टेंजेंट हमने जो ड्रॉ किए हैं, इनसे जो एंगल बन रहा है पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री होगा किसका, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन। बोल रहा है एंगल जो लाइन सबटेंड कर रही है किसके साथ, सबटेंड सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट के साथ ज्वाइन कर रही है एट द सेंटर, ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो यानी ये वाला एंगल आया समझ में, वही सबटेंड कर रही है, ठीक है, और आपस में बना रही है दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो लाइन सबटेंड कर रही है ना आपस में, वो इसका सप्लीमेंट्री होगा। यानी एंगल पी और एंगल क्यू वो सप्लीमेंट्री होंगे भाई। तो देखिए भाई, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमारे को, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू है 180 डिग्री, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है भाई। तो देखिए भाई, इन ट्रायंगल क्यू पी ओ एंड ट्रायंगल आर पी ओ, क्यू पी ओ और आर पी ओ में देखो भी पी क्यू इक्वल है पी आर के, ठीक है, टेंजेंट सेम, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट पी, ठीक है भाई, पी क्यू हो गया पी आर के। अब देखिए भाई, पी ओ इक्वल टू है पी ओ, रेडियस हो गई, ठीक है, सॉरी रेडियस नहीं, कॉमन, क्या हो गया, कॉमन साइड। अब रेडियस लिख लेते हैं, क्यू ओ इक्वल टू आर ओ, ये रेडियस हो गई, दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन प्रूव कर दिया, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल पी आर ओ के बाई एस 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 रूल, ठीक है, एस एस प्रॉपर्टी। अब देखिए भाई, अब ये हो गई, तो एंगल हम इसको एक बार वन और टू लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ थ्री और फोर। एंगल वन इक्वल आ गया एंगल टू के और एंगल थ्री इक्वल आ गया एंगल फोर के, आ गया। तो हम देखो भाई पूरे एंगल को, एंगल क्यू पी आर को, क्यू पी आर को क्या लिख सकते हैं, टू टाइम एंगल क्यू पी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से क्यू पी आर को हमने टू टाइम एंगल क्यू पी ओ लिख दिया, फिर इसी तरह से टू टाइम एंगल क्यू ओ आर को, क्यू ओ आर को, टू टाइम एंगल क्यू ओ आर को हम मतलब सॉरी टू टाइम एंगल क्यू ओ पी को पूरे के इक्वल, क्यू ओ पी को क्यू ओ आर के इक्वल लिख सकते हैं, समझ रहे हो भाई, ये दोनों तो इक्वल है ना थ्री और फोर, तो ये पूरा एंगल इसका आधा हो गया ना, तो हमने लिख दिया क्यू ओ पी, क्यू ओ आर का टू टाइम है, ठीक है भाई, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो भाई, इन इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ट्रायंगल में देखो भाई, एंगल वन प्लस एंगल थ्री, इन दोनों का सम कितना आएगा भाई, 90 डिग्री। क्यों भाई, देखो वन और थ्री का 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है टेंजेंट का, ठीक है। अब वन और थ्री को हम टू टाइम कर देते हैं, टू टाइम एंगल वन प्लस टू टाइम एंगल थ्री और इक्वल टू टू टाइम 90 डिग्री का, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कर दिया हमने बोथ साइड भाई टू, ठीक है भाई। अब टू टाइम एंगल वन, वन का टू टाइम एंगल कितना हो गया, हमने देखो इधर लिखा है, ठीक है, ये पूरा हो गया क्यू पी आर, हम इसकी जगह लिख देते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस टू टाइम एंगल थ्री, ये पूरा हो गया क्यू ओ आर, हमने लिख दिया एंगल क्यू ओ आर, और उधर कितना हो गया 180 डिग्री, यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।